महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ में अब जो है फाइनली एकनाथ शिंदे गुट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है उसके बाद लगातार आदित्य ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो जो है एकनाथ शिंदे के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में शिवसेना से बीच में आज जो है नासिक में हाई वोल्टेज ड्रामे के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि आदित्य ठाकरे फिलहाल शिव संवाद यात्रा निकाल रहे हैं और राज्य का दौरा कर रहे हैं। आज यह यात्रा जो है वो नासिक पहुंच रही है और इस दौरान एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक सुहास कांडे ने उनसे मुलाकात करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे से मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार हमसे गलती क्या हुई है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा कि अगर हम हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें आखिरकार गलत क्या है। आखिरकार अगर हम एकनाथ शिंदे के साथ में हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं। ऐसे में सुहास कांडे और आदित्य ठाकरे की मुलाकात के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामे देखने को मिल सकता है। सुहास कांडे ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने समर्थकों के साथ में आदित्य ठाकरे से मिलूंगा। मैंने शिवसेना के संपर्क प्रमुख जयंत डिंडे को फोन किया था। मैंने उनसे कहा कि मैं आदित्य ठाकरे से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बॉस से बात करूंगा और उन्हें इस बारे में जानकारी दूंगा। अब आदित्य ठाकरे और सुहास कांडे के आमने सामने होने की संभावना है, इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नासिक में क्या होगा। सुहास कांडे ने आदित्य ठाकरे से कई मुद्दों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हम आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। मातोश्री हमारा पंडरपुर है, उद्धव साहब हमारे विट्ठल यानी भगवान है, इसलिए हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे। कल उनके भाषण के दौरान उनके हाथ में भगवा धागा नजर नहीं आ रहा था। उनके हाथ से आखिरकार शिवबंधन कहां गया? सुहास कांडे ने सवाल उठाया, क्या उन्होंने इस आइकन को भी अब छोड़ दिया है? सुहास कांडे ने कई मुद्दों पर आदित्य ठाकरे का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे देते हैं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मैं बाला साहब का कट्टर शिवसैनिक हूँ। सुहास कांडे ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर से चुनाव जीतूंगा, लेकिन अगर आदित्य ठाकरे ने मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं अपने पद से तुरंत ही इस्तीफा दे दूंगा। बाय द वे, ठाकरे के खिलाफ में उठाए गए इस कदम से कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे भी पूरी तरह शॉक्ड होंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।